नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। संभल में मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा के पश्चिम यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने खूब खरी खोटी सुनाई है। राजेश सिंघल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्लाम धर्म कबूल करने की नसीहत दी। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना न सिर्फ अपना बल्कि समूची समाजवादी पार्टी का पतन कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे हिंदू समाज की भावना को लगातार खेल बता रहे हैं, हमारे लगातार देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और मैं केवल इनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इतनी नफरत है देवी देवताओं से, तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य नाम क्यों रखा है? उन्होंने जब उनका नाम हो रहा था तो उन्होंने अपने घर के अंदर ब्राह्मणों को बुलाकर देवी देवताओं की पूजा करके अपना नाम स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों रखा? और यदि रखा है तो फिर उन्होंने देवी देवता का सम्मान करना चाहिए। यदि वे देवी देवता का सम्मान नहीं कर सकते तो मैं उनसे आज ही कहना चाहता हूँ कि आज ही वह कोई अन्य धर्म ग्रहण करके, यदि उनमें दम है, यदि उनके अंदर दम है, तो वह अन्य धर्म को स्वीकार करके अपना नाम स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़कर कोई इस्लामी धर्म ग्रहण कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय काफी दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा। सीएम योगी ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही उनके निधन पर समाजवादी पार्टी ने शोक जताते हुए कहा कि सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि। वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच दोपहर के 2 बजे से खेला जाएगा और यही वो पल होगा जहां काफी हद तक की जीत और हार तय हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम के हालिया रिकॉर्ड यही कहानी बयां कर रहे हैं। वानखेड़े में अब तक इस वर्ल्ड कप के 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। चारों मुकाबले डे नाइट रहे हैं और इन चारों में एक ही जैसी परिस्थितियां बनी हैं। चारों मैचों में यहां दोपहर में बल्लेबाजी करना बेहद आसान नजर आया है, लेकिन रात में दूसरी पारी में बैटिंग चुनौती रही है। दूसरी पारी के शुरुआती 20 ओवर में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बुरे सपने की तरह रहे हैं। भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप में लगातार 9 मैच जीतकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, लेकिन अब नॉकआउट स्टेज में पिछला प्रदर्शन मायने नहीं रखता। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ब्रिगेट को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। प्रयागराज के प्राचीन सुचावान देव मंदिर पर हर साल दीपावली के बाद विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यमराज इस स्थान पर आए थे और यमुना जी के आदर सत्कार से खुश होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो यमुना माँ ने वरदान मांगा कि मेरे तट पर आकर जो भी व्यक्ति जल स्पर्श और उपासना अपनी बहन के साथ करेगा उसे मृत्यु का डर नहीं रहेगा। तब से यहाँ पर यम द्वितीया का मेला लगने लगा। इस मेले में प्रयागराज सहित मध्य प्रदेश और आसपास के जनपदों से भी लोग मेले में खरीदारी और बिक्री करने के लिए आते हैं। इस बार मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी यमुनानगर और एसीपी के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें की तैनाती वहां पर की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थाना घूरपुर प्रयागराज का मेला है। सुजावन देव का यहाँ पर प्राचीन मंदिर है जो कि यमुना जी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही स्नान दान पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर आप इसे देख रहे हैं काफ़ी दूर फैला हुआ मेला है, तो जनता आए हुए श्रद्धालुओं और दुकानदारों को कोई सुविधा ना हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, जिससे कि किसी की बारे की सुरक्षा कोई कमी ना।
संभल में से 10 लाख का धान लोड कर ले गए ट्रक के लापता होने का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने धान की पूरी कीमत व्यापारी को वापस कराई है। इसके अलावा फर्जी नंबर प्लेट लगे ट्रक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना चंदौसी स्थित मंडी समिति की थी, जहां एक ट्रक करीब 10 लाख का धान लेकर हरियाणा गया था। धान समेत ट्रक रास्ते से गायब हो गया। व्यापारी ने चंदौसी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका पुलिस ने बड़ा खुलासा कर एक आरोपी को ट्रक और 4 फर्जी नंबर प्लेट समेत गिरफ्तार किया है। दिनांक 4 अक्टूबर को थाना चंदौसी क्षेत्र से अभियुक्त सतीश पुत्र काशीराम निवासी ग्राम मालवी थाना जुलाना जनपद जींद हरियाणा द्वारा अपने 2 अन्य साथियों की मदद से ट्रक का फर्जी नंबर प्लेट तैयार करके वादी के धान को बताए गए स्थान पर न ले जाकर उसे कहीं हड़प करके बेच दिया गया। इस संदर्भ में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज अभियुक्त सतीश को मैं वाहन की गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगा वाहन तथा अन्य 4 फर्जी नंबर प्लेट के गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य 2 अन्य साथी की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में शराबी पति की बेहद शर्मनाक करतूत सामने आई है। आरोप है कि पति ने पहले दोस्तों को घर बुलाकर शराब पी, फिर उसने दोस्तों से पत्नी का गैंगरेप करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई करने के बाद उसका सिर बेड से लड़ा दिया गया, जिससे महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद पति ने दोस्तों के साथ फरार हो गया। इसके बाद होश में आने पर महिला ने डायल 112 पर पूरी घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को चरवा थाने लेकर पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि चरवा पुलिस रात भर उसे थाने पर बैठाए रखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित महिला मंगलवार को SP कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। गोंडा में एक नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ 10 दिनों तक दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दी गई है। लड़की की मां ने पुलिस को तहरीर दी, साथ ही मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं मामले को लेकर थाने पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। धनंजय मणि त्रिपाठी जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये घटना जिहादी मानसिकता के लोगों की ओर से षड्यंत्र पूर्ण किया गया है और लव जिहाद की घटना है। एक लड़की हमारी कोमल है, तो उसको जो है फुरकान नाम का लड़का है वो भगा ले गया है, उसके साथ गलत किया। 10 दिन पर लड़की मिली है, थाने पर है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस संबंध में आपने शिकायत किया? हाँ, शिकायत किया, तहरीर दिया, तो कोई सुनवाई नहीं है थाने पे। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं वो जेल जाए और लड़की को डॉक्टर को वो जेल जाए, तो कोई कार्रवाई थाने वाले कर नहीं रहे हैं। ये बरबटपुर की एक लव जिहाद और धर्मांतरण की घटना है, जहाँ एक हिंदू समुदाय के लड़की को मुस्लिम समुदाय के फुरकान द्वारा विगत एक महीनों से निरंतर उसके साथ की उसकी फ़ोटोज हैं, नकाब पोश फोटोज हैं उस नाबालिग लड़की के, और विगत एक महीने से उनके संपर्क में थी। पिछले 10 दिनों पूर्व वो अपने साथ भगा लेकर के और उसके साथ उसने दुष्कृत किया है। यहाँ पर जो हिंदू समुदाय की लड़की गायब हुई थी, भगा कर गई थी, उसकी माँ आई हुई थी थाना कोतवाली में। पुलिस ने तहरीर में अज्ञात के विरुद्ध मामले को लीपापोती करने के लिए दर्ज कर लिया है। एक तो ये धर्मांतरण की और लव जिहाद की बहुत बड़ी घटना है। दूसरा विषय यह है सर कि मोबाइल जो फुरकान का था वह उस लड़की के पास था। मेरा यह पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से निवेदन है कि फुरकान के उक्त मोबाइल को बरामद किया जाए, जिससे उसके सारे चैट्स आ जाएं और इस प्रकार से जो नाबालिग लड़की के साथ दुष्कृत किया गया है, कुकृत किया गया है, उसका पर्दाफाश हो। हरदोई जिले में बाइक को ओवरटेक करने को लेकर 2 बाइक सवारों में झड़प हो गई, जिससे में दोनों बाइक सवारों एक दूसरे पर जमकर लात घूसों से हमला किया। इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वही घटना को लेकर CO सदर सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बाइक सवार की झगड़ा की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, CO सिटी हरदोई। कल थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों को लेकर आपस में वाद विवाद हो गया, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई कर ली गई, अनविधिक कार्रवाई की जा रही है।
औरैया में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव खेतों में मिला। दरअसल युवक के सर में गोली लगी थी। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और पुलिस अधीक्षक जांच में जुट गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। जानकारी नहीं है सर मुझे। कैसी जानकारी हुई आपको कि उनकी मौत हो गई? लोकेशन फोन किया है तो बता रहे थे, पता नहीं मैं इधर हूँ। फिर हम लोग जब गए तो उसकी मट्टी पड़ी थी। जब मेरी बात थी उसी से बात हुई थी डायरेक्ट। तो क्या कैसे मौत पता लगा, किससे मौत हुई है? ये सर नहीं पता लगा मुझे, कैसे हुए कैसे नहीं हुई है। निशान घाव मिले क्या? नहीं, यहाँ पे मिला है सर से। अच्छा, सर से। तो वहाँ कोई चीज ऐसी मिली है जिससे घाव हुआ हो या जिससे मौत? ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। ये लगभग 10 बजे के अराउंड एक सूचना मिली थी। ये चंदनापुर गांव में खेतों के बीच में परिवार के द्वारा सूचना दी गई कि उत्तम दोहरे सन ऑफ साधु, ये इनके अपने परिवार से लगभग कुछ 15 मिनट पहले बात हुई थी। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ मिलूँगा और कुछ कई बार परिवार से 4-5 मिनट बात होने के बाद जब परिवार ने आकर यहाँ देखा तो इनके बॉडी मिली है जिसमें दाहिनी तरफ से गनशॉट है और परिवार से कारण और किसी से रंजिश पूछने के संबंध में पूछताछ की गई तो अभी कुछ उनके द्वारा बताया नहीं गया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।